दिन भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साई प्रणाम, चिट्टी बन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अपने से डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं SSP ने की संयुक्त पत्रकार वार्ता। कहा, लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी की भागीदारी हो सुनिश्चित। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस व सपा पर बोला हमला। कहा, इस बार भी साइकिल होगी पंचायत। ई डिस्ट्रिक्ट भवन में बनाया गया कंट्रोल रूम, लोकसभा चुनाव की सभी गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। और भाजपा दिव्यांगजन सम्मेलन का हुआ आयोजन, आगामी लोकसभा चुनाव पर की गई विस्तार पूर्वक चर्चा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणेश एवं SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता की। वार्ता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि चुनाव आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में सभी को पूरी कड़ाई के साथ इसका पालन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही लोकतंत्र के इस महापर्व पर सभी बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार के प्रलोभन आदि में ना पड़े और स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का खुलकर प्रयोग करें। चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव घोषित कर दिया गया है। उसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा, जनपद गोरखपुर में दो फेज में चुनाव होगा। जनपद गोरखपुर में दो फेज में इलेक्शन होगा। जो खजनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पार्ट ऑफ संत कबीर नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो 6th फेज में कवर होगा। और जो गोरखपुर और बांसगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये 7th फेज में होगा। जो गोरखपुर और बांसगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन या डेट ऑफ नॉमिनेशन जो शुरू होगा वो 7th मई से होगा। जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है 14th मई है। जो स्क्रूटनी का डे है 15th मई है। नाम वापसी विड्रॉल का जो डेट है वो 17 मई है। जो इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा, वो 1 जून को है और जो काउंटिंग होगा 4 जून को होगा। और 6 जून से पहले समस्त प्रोसेसेस इलेक्शन पूरे कर लिए जाएंगे। जनपद में जो बूथ्स हैं सभी हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। कार्मिकों का किसी प्रकार का इशू नहीं है। ऐप्स हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल से लागू हो गया है। अगर किसी तरह का वायलेशन होता है तो सी विजिल ऐप के माध्यम से या 1950 पे कॉल करके लोग अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और 100 मिनट्स में उसको रिड्रेसल किया जाएगा। जो SSP टीम्स हैं उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और जो MCC है वो 1st 24 आवर्स के लिए हम लोग सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के डिफेसमेंट्स और होल्डिंग्स हटाएंगे। जो नेक्स्ट 24 आवर्स यानी कि पहला 48 आवर्स है उसमें पब्लिक प्लेसेस से हटाया जाएगा और जो 1st 72 आवर्स है उसमें जितने भी प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उसे डिफेसमेंट्स और जितनी होल्डिंग्स है वो हटाई जाएंगी। आचार संहिता का अनुपालन समस्त अधिकारीगण करेंगे, समस्त पॉलिटिकल पार्टी करेगी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए स्वीप के तहत हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। CDO साहब उसके लिए नोडल ऑफिसर हमारे यहाँ नामित भी हैं और जितने भी स्कूल्स हैं इसमें अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स, नए इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब को हम लोग एक्टिवेट कर रखे हैं। जितने भी नए मतदाता हैं 18 से 19 उनको जोड़ा जा रहा है। जो महिला मतदाता हैं उनको थोड़ा जागरूक करके, जो दिव्यांगजन हैं उनको हम लोग मार्क करके उनको जो फैसिलिटीज दे सकते हैं फैसिलिटेट करने के लिए वो कराया जा रहा है। अलग अलग राशन दुकान में होर्डिंग्स लगाए जाएंगे, वोटिंग का डेट कौन सा है और जितने भी हम लोग पब्लिक अवेयरनेस कर सकते हैं मतलब स्वीप के माध्यम से करेंगे ताकि लोग मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर दें। जो लास्ट इलेक्शन में जो कम पोलिंग परसेंटेज वाले बूथ्स हैं उसको चिन्हित किया गया है, वहाँ क्या इश्यूज़ है ये सब हम लोगों ने पहले एक्टिविटी प्लान कर लिया था और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम लोग 70% जरूर क्रॉस करें इस बार वोट इलेक्शन में। और इसमें मीडिया का भी बहुत सहयोग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले भी रहा है और हम लोग श्योर हैं कि मीडिया भी अगर इसमें हमें सहयोग कर देगी तो हम लोग 70% देखा जाए। गोरखपुर में कोई जागरूकता अभियान नहीं हो रहा है,
ये अभी रेगुलर फेजेस पे चलेगा और जितने भी स्कूल्स हैं, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको इन्वॉल्व किया। सर, सबसे ज़्यादा पिछली बार देखा गया शहरी मतदाता घर से बाहर नहीं निकलते, शहरी मतदाताओं को निकलने के लिए किस तरह से इस बार उनके लिए हम लोगों ने एक तो ये प्लान किया है, जो वोटर स्लिप्स हैं ये टाइम से सबको एटलीस्ट हम लोग पाँच दिन पहले डिलीवर करा दें, एटलीस्ट 5 डेज बिफोर दे विल हैव। उसके बाद हर जगह हम लोग थोड़ा नुक्कड़ नाटक कराएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम निकल सके। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल 16 तारीख को लोकसभा इलेक्शन 2024 की घोषणा की गई है, इसके साथ ही तिथियों की भी घोषणा की गई है और कल से ही पूरे जनपद में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों की एक मीटिंग कल ही करते हुए इसके प्रावधानों की जानकारी दी गई है और इन सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही साथ सभी राजपत्रित अधिकारियों को अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, सीओज और एसडीएम्स, और इसके साथ साथ थाना और तहसील के जो कर्मचारी हैं उनमें आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन बनाते हुए लगातार भ्रमणशील रहते हुए इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए सभी प्रकार के लोगों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो हमारे वोटर्स हों, कैंडिडेट्स हों या इस चुनाव प्रक्रिया में लगे हमारे कर्मी हों या जहां पर हमारी मतदान होना है, मतदान केंद्र है जहां पर ईवीएम रखी जाएंगी, इन सभी चीज़ों की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए बड़ी मात्रा पर सीसीटीवी कैमरास का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जो त्रिनेत्र में हमारे कैमरास लगे हैं, जो हमारा मूवमेंट होता है या चेकिंग अभियान होता है उसको भी और सुदृढ़ किया जा रहा है, जो हमारे अंतर जनपदीय सीमा है वहाँ पर जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी हमारे द्वारा पिकेट्स का जो प्रबंध है वो किया जाएगा, लगातार चेकिंग की जाएगी। इस पूरे चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए और शांतिपूर्वक इसको संपन्न कराने के लिए सभी प्रयास पहले से भी चल रहे हैं। इलेक्शन सेल हमारे यहाँ पूर्व से गठित हो गया है, उसकी निगरानी में ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। तो कितने सुरक्षाकर्मी लगाए जाएंगे? देखिए, जैसे जैसे हम चुनाव के पास आएंगे तो जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं उनकी संख्या तय होगी, एक पूरी बुकलेट तैयार होगी, एक पूरा खाका तैयार होगा, उसमें हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पोलिंग सेंटर्स पर भी लगते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में भी लगते हैं, अन्य कई ड्यूटीज़ में लगते हैं, वो सारी संख्या बहुत ही जल्द कैलकुलेट करके उसके ऊपर बुकलेट के माध्यम से जारी कर देंगे। गोरखपुर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है और लुटेरों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को जारी रहनी चाहिए। जो लूट की छूट कांग्रेस के समय में मिलती थी वह छूट अभी सरकार में नहीं है। 2017 में जिस हाथ के लगने से साइकिल पंचर हो गई थी इस बार भी वही होगा। मीडिया प्रभारी हमारे अस्वस्थता के कारण आने का समर्थन जताए हैं, एक हमारे जिला मीडिया प्रभारी अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के अपने दोनों ठीक, हमने ठीक से समझा है जाना, जो मैंने समझा कि हम भारतीय जनता पार्टी के पूरे अपने जनसंघ काल की स्थापना से लेके आज तक हम अगर उसको 4 चरणों में बांट कर हम अगर उसका अध्ययन करते तो हमको लगता है कि हम समाज जीवन में काम करने वाले एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हम किस उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस बात को हमको आपको समझने की आवश्यकता है। ये बात मैं इसलिए आप सबसे कहता हूं, मैं पीछे के इतिहास में जाना नहीं चाहता। वो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष से, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से, हमारे प्रदेश प्रवक्ता महोदय लोगों से, कल निर्वाचन आयोग ने
7 चरणों में निर्वाचन की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार मोदी सरकार संस्थापित होगी। इस बार 400 पार से अधिक सीटें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिलेंगी। मोदी का परिवार 4 जून 2024 को 400 के पार जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास हुआ है, जिस तरह से अंतिम आदमी तक विकास की गंगा पहुंची है, जिस तरह से भारत जो है वो समग्र दुनिया में सशक्त राष्ट्र के रूप में संस्थापित हुआ है, जिस तरह से हर गरीब के घर में जो है राशन पहुंचाने का काम हुआ है, बिजली पहुंची है, मकान पहुंचा है, आयुष्मान योजना के तहत उसके घर में जो है स्वास्थ्य उसका सुनिश्चित हुआ है, उसके कारण ऐसा शायद ही कोई परिवार हो इस देश में जिसको किसी ना किसी प्रकार का लाभ ना मिला हो। तो ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भारत को विकास के महामार्ग पर पहुंचाया है, उनके लिए प्रचंड जनादेश भारत की जनता ने देना सुनिश्चित किया है। भारतीय जनता पार्टी अकेले के बूते पर 370 से अधिक सीटें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो संकल्प था अनुच्छेद 370 का संशोधन, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 अगस्त 2019 को संशोधन हुआ और आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी को 370 से अधिक सीटों पर जिताएगा और NDA को 400 से अधिक सीटों तक पहुंचाएगा। चुनाव भले ही 7 चरणों में हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने विशेष करके यह तय किया है कि मतदान श्री राम के चरणों में होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, विपक्ष जी सवाल उठाया, क्या कहना, देखिए उसमें भी राहुल गांधी किस तरह से झूठ बोलते हैं उसका एक उदाहरण है। 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू हुए, 303 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं, 240 सीटें शेष बचती हैं लोकसभा में, 240 सीटों वालों को 14,000 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये साफ इस बात का संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक लोकसभा के सांसद के औसत से 20 करोड़ रुपए की राशि मिली है, जबकि कांग्रेस के प्रत्येक सांसद के औसत से 27 करोड़ की राशि मिली है और BRS ऐसी पार्टियां हैं जिनके प्रत्येक सांसद के औसत से 200 करोड़ रुपए की राशि मिली है। तो किस तरह से झूठ और झूठ के अलावा राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, यह एक बार फिर से सिद्ध हुआ है। उनका राहुल गांधी का कहना है कि ED का दुरुपयोग करके पैसा वसूला जा रहा है चंदन। देखिए लुटेरों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और CBI कार्रवाई करेगा। जो लूट की छूट कांग्रेस के जमाने में मिली थी, 12 लाख करोड़ रुपयों की लूट 10 वर्षों के शासनकाल में हुई थी, उन सारे लुटेरों को पकड़ा जा रहा है और हर जो है चोर और लुटेरा हमेशा पुलिस के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करता है, उसी तरह के अभद्र अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस और उसके बगल बच्चा दल कर रहे हैं। भाजपा कह रही है कि सुनामी इस बार आ जाएगी, और लेकिन अभी दो युवराज भी निकले भारत जोड़ो यात्रा में साथ में, तो वो भी कह रहे हैं कि हम सुनामी ले आएंगे। हाँ, उनकी सुनामी पराजय की सुनामी होगी। एक बार 2017 में भी दोनों साथ निकले थे और दोनों की क्या दुर्दशा हुई थी ये उत्तर प्रदेश ने देखा है कि साइकिल जो है हाथ लगते ही पंक्चर हो गई थी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल।
हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मी ब्रोस। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुराने कलेक्ट्रेट के ई डिस्ट्रिक्ट भवन में जिले का कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुणेश ने जानकारी देते हुए कहा कि यहां से सभी तरह के परमिशन जारी किए जाएंगे। प्रत्याशी ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा, उसके बाद सभी तरह के परमिशन को जारी किया जाएगा, जिसके लिए सीआरओ को नोडल बनाया गया है। कंट्रोल रूम से पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग की जाएगी। तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तुम लोग उनको बार बार करते हैं, तुम लोग टाइम टाइम टुगेदर नहीं रहते तुम लोग। मुझे मिल तो आ रहे हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम है जहां से सभी तरह का परमिशन जारी किया जाएगा। लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसमें आपके माध्यम से वो हम लोग एटलीस्ट 48 आवर्स पहले एप्लीकेशन आना है और नेक्स्ट 24 आवर्स में इसको हम लोग इसको प्रोसेस कर देंगे। हमारे सीआरओ साहब इसके लिए नोडल हैं, परमिशन जारी कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा मंदिर में दिव्यांगजन सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में दिव्यांगजन के प्रदेश संयोजक उत्तम ओझा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किए गए विभिन्न कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं यह भी कहा गया कि इस सरकार में दिव्यांगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बड़े पैमाने पर मिला है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन कर 98 जिलों में संगठन को खड़ा किया है। इस मौके पर दिव्यांग प्रकोष्ठ के सहसंयोजक अवनीश कुमार प्रजापति, सुरेंद्र साहनी, रविंद्र नारायण सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ के संयोजक उत्तम ओझा व क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर राजेश सिंह ने बताया, संदर्भ में जो हमारी सरकार ने विगत 2017 के बाद काम शुरू किया है उसका हम लोग जानकारी इनको दे रहे हैं। सरकारी कार्यक्रमों को इन तक पहुंचाया जा रहा है और इनको इज्जत सम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इनको कौशल से जोड़ा जा रहा है। इन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। इनको इनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए जो भी पार्टी स्तर से प्रयास किया जाता है वो किया जा रहा है और यही सब सारी चीज़ें हैं, इन्हें परिमार्जित किया जा रहा है। चार सौ पार करेगी सरकार को अपने कार्यों पर पूरा विश्वास है। उन्होंने जनता के साथ न्याय किया है, जनता के को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। जनता को एक तरह से आप देखते होंगे 2017 के पहले 2014 के पहले जो आप देखते होंगे भूखमरी से लोग मरते थे, इंसेफ्लाइटिस तमाम होती, तमाम बीमारियां होती थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शौचालय को गांव-गांव दे करके, अच्छे घर बनवा करके, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा करके
इन सारी चीज़ों से मुक्त किया है और आज इस तरह की घटनाएं आप लोग समाचार वाले हैं निश्चित रूप से जानते होंगे, यह घटनाएं अब कम हुई। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में पहली बार किसी भी राजनीतिक दल के रूप में दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन करके जो दिव्यांग व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उनको राष्ट्र के मुख्य धारा में लाने का काम किया है। एकमात्र दल पूरे भारत में है, भारतीय जनता पार्टी है, जिसने दिव्यांग प्रकोष्ठ का गठन किया है और पूरे प्रशासनिक 75 जिले हैं और संगठन भी जिससे हमारे 98 जिले हैं, पूरे 98 जिले में हमारा संगठन खड़ा है। इसी क्रम में आज गोरखपुर में हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें हम 10 वर्षों में दिव्यांगजनों के लिए हमने क्या किया, ये हमारे 10 वर्षों की उपलब्धियां और भविष्य में हम इनके लिए क्या करेंगे, कैसे यह आत्मनिर्भर होकर सम्मानजनक जीवन जी सके, इसकी जानकारी दे रहे हैं। एक संवाद स्थापित कर रहे हैं, इनके साथ एक चर्चा है, एक स्नेह मिलन है कि आप सब एक सम्मानजनक जीवन जिए और 2047 का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत है इसमें अपना योगदान करें। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव 2024 को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं SSP ने की संयुक्त पत्रकार वार्ता, कहा लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी की भागीदारी हो सुनिश्चित। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस व सपा पर बोला हमला, कहा इस बार भी साइकिल होगी पंचायत। ई डिस्ट्रिक्ट भवन में बनाया गया कंट्रोल रूम, लोकसभा चुनाव की सभी गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। और भाजपा दिव्यांगजन सम्मेलन का हुआ आयोजन, आगामी लोकसभा चुनाव पर की गई विस्तार पूर्वक चर्चा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, साईं प्रणाम।